मैं सबसे पहले तो अर्थ एजुकेशन असेंबल के जो व्यवस्थापक लोग हैं, विवेकानंद विवेक जी के साथ के सिद्धार्थ साहब, इन सबों को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, सबों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे यह मौका दिया इस उम्र के लोगों के साथ, और उनके गार्जियंस भी कुछ दिख रहे हैं, उनसे रूबरू होने का। मैंने बार बार अपने इस तरह के उद्घोषणाओं में, एड्रेसेस में कहा है कि इस तरह का मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आपसे मिलने पर एक अलग तरह की अनुभूति होती है जो मुझे अपने प्रोफेशन में साधारणतः नहीं हुआ करती थी। एक नया आइडिया है, एक नई सोच है, सिद्धार्थ जी और विवेकानंद जी मेरे घर पर कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। सोच बिल्कुल नई है, नायाब है, और जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रयोग किया है उन बच्चों पर, उसको सफल पाया है, और इसलिए उसको अब विस्तारित करना वो चाहते हैं इस राज्य में। मेरी शुभकामना उनके साथ है। मैं इस समस्या से बहुत दिनों से कंसर्न रहा हूँ, जूझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। कई बार मैंने भी छोटे छोटे प्रयोग अपने स्तर पर किए और कुछ निष्कर्ष उससे मैंने भी निकाले, जिसको मैंने उनके साथ डिस्कस किया, कुछ रेफरेंस उन्होंने भी अपनी बातों में आपके सामने रखा है। आप सबों में निश्चित रूप से एक बेचैनी है कि अब आप यहाँ से आगे जो जाएंगे वो किधर जाएंगे, क्योंकि यह व्यवस्था 12वीं तक तो एक रास्ता देती है, 1, 2, 3, 4, 12वीं के बाद 13वीं होती नहीं है, 14वीं होती नहीं है, तो फिर वहाँ से आगे क्या। और जो सबसे अहम प्रश्न है जिसकी ओर इंगित किया गया, दोनों जो वक्तव्य हुए आपके सामने, डिस्कोर्सेज हुए, काफ़ी डिटेल्ड थे, बहुत सारी बातें उसमें कही गई थी, तो जो मूल बात मुझे लगी वो ये कि आपके अंदर प्रतिभा तो है, किस तरह की प्रतिभा है ये ढूंढना पड़ता है। कई बार मैंने देखा है कि लोगों के अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं उन उसके बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं रहती है, और जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके साथ ना आ जाए और उससे उसकी मुलाकात ना हो जो बताए कि तुम्हें ये प्रतिभा है। इसका कई उदाहरण मैं भी आपको दे सकता हूँ, और उसको मैंने व्यवहारिक रूप से प्रयोग करके देखा खेल के क्षेत्र में। ऐसे तो सामान्यतः मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, IIT इस तरह के क्षेत्र में काम करता रहा हूँ करीब 14-15 वर्षों से, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी पिछले 4 साल से मैंने पुलिस के ही कोचेस को लगा करके और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, खास करके जो हमारे सिपाही संवर्ग हैं उनके बच्चे, जिनको पढ़ने में शायद उतना मन नहीं लगता है लेकिन खेल में उनकी प्रतिभा थी, उनको मैंने पिकअप किया और क्लास 8-7 से थोड़ा इन कोचेस के साथ रख करके गाइड करना शुरू किया। तो आज स्थिति ये है कि करीब 300-350 बच्चे वेरियस लेवल्स तक पहुँचे, कुछ नेशनल लेवल तक भी आए, कुछ स्टेट लेवल तक आए, और उस स्पोर्ट्स में अपना उन्होंने करियर बनाया, उनको एक मुकाम मिला जो शायद वो भी नहीं मिल पाता अगर उनको ये पता ही नहीं रहता कि स्पोर्ट्स में उनकी प्रतिभा है। फॉर एग्जांपल हैंडबॉल में कुछ बच्चे नेशनल लेवल तक पहुँचे खेलते हुए, और उनको फिर एक मुकाम भी मिला कहीं। उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इससे मुझे तो पता ही नहीं था कि हैंडबॉल गेम होता क्या है,
और इसमें कैसे खेला जाता है। तो आप लोगों ने चयन किया और खिलाना शुरू किया तो हम अच्छे खिलाड़ी हो गए हैं। तो ये मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा था कि आप में कौन सी प्रतिभा है, ये भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ये कुछ उस तरह की बात हुई कि समुद्र की गहराइयों में वो है, अंदर रखा हुआ धरोहर है, कहीं रखा हुआ है, अब उसको आप डाइव करके निकालें, जैसे भी निकालें, निकाल के फिर तराशें तो रास्ता निकल जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और साधारणतः इसको एक ब्रूमस्टिक लगाने से तो आता नहीं है। सबसे पहले मेरा आग्रह आपसे होगा कि खास करके गार्डियन से कि अपने बच्चों में कोशिश करें जितनी आपकी क्षमता है पता करने की कि उसमें किस तरह की प्रतिभा है, और जो प्रतिभा अगर दिखाई पड़े तो उस तरह का कोई गाइड हो सके या मेंटर हो सके। बहुत अर्ली एज में दिखता है, बच्चों में दिखता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझमें भी हर तरह की प्रतिभा को तराशने की शक्ति नहीं है और वो किसी में नहीं होती। जो जिस एरिया का एक्सपर्ट होता है उस एरिया की प्रतिभा को वो समझ लेता है, बच्चों में ही समझ लेता है। जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है या नहीं है, ये जिनका मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छा डेवलप्ड है, जो टीचर्स हैं अच्छे, वो पकड़ ले सकते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है या नहीं है पकड़ सकते हैं। बच्चों में खेलने की एबिलिटी है कि नहीं, सिंगिंग की एबिलिटी है कि नहीं, कोई बहुत बढ़िया सिंगर हो, एक्टिंग की एबिलिटी है या नहीं। तो अर्थ एजुकेशन जो मैंने समझा वक्तव्यों से, एजुकेशन थोड़ा बड़ा एकेडमिक्स एजुकेशन से रिलेटेड जो एरियाज है, चार पांच का उन्होंने जिक्र किया, उस तरह की प्रतिभा को तराशने की या तलाशने की का गुण इनमें है, गुर है, वो उसका उपयोग वो करेंगे। मैं इनसे जब बात कर रहा था तो मुझे ये भी लगा कि आपका जो एज है यहाँ पर आते आते काफ़ी कुछ फिक्स हो जाता है, यहाँ से बाद में फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। थोड़ा और अर्ली स्टार्ट करें तो और बेहतर रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। परंतु यहाँ से भी हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफाई द टैलेंट्स दैट यू हैव इन यू एंड प्लीज डू इट। उसके विरुद्ध तैरने की कोशिश करने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पाएंगे वर्ल्ड ओवर, कुछ बुक्स हमने पढ़ के देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक आई थी बच्चों में टैलेंट कैसे निकलता है, वो आउटलायर्स करके हैं उसमें। इट्स ऑलमोस्ट फोकस्ड ऑन आवर्स, एक पर्टिकुलर दिशा अगर आपको मिल जाए और क्लास 3-4 में आप हैं तो 3-4 से लेकर 12 के बीच में अगर उसको निखारना है तो इट्स लाइक सम 1000 आवर्स। अगर आप उतना इनपुट नहीं देते हैं उस प्रतिभा को निखारने में तो प्रतिभा वर्ल्ड लेवल पर नहीं आएगी। बहुत सीधी सी बात है, आप में हो सकता है रॉ टैलेंट हो तो वो रॉ ही रह जाता है, वो कभी भी परिष्कृत रूप में नहीं आ पाता है बाहर, और उतना टाइम चाहिए, उसके पीछे टाइम देना पड़ता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आप अगर इस एज में आ गए हैं प्लस टू के लेवल पर या मे बी उसके बियॉन्ड, तो जो प्रतिभा आप में है उसी को निखारने के लिए आपके पास टाइम कम मिलेगा। और अगर अर्लियर एज से स्टार्ट करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा मिलता और एडिक्वेट टाइम मिलता और निश्चित रूप से वो निखर के बाहर आ जाता। फिर भी अभी आप जहाँ हैं वहाँ से ये जो ईईई है ये अगर आपको गाइड कर रहा है कि आप इस दिशा में चलिए और जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें फोकस्ड रूप से आप कार्रवाई कीजिए तो एक करियर तो मुझे ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये मिलेगा और एक सोल्यूशन निकल जाता है। जो उससे आगे की बात एक मैं करना चाहता था, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, आइडेंटिफाई द टैलेंट एंड बी फोकस्ड। व्हाई आई से बी फोकस्ड इज बिकॉज यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। ये अर्ली एज से ही फोकस्ड हो जाना चाहिए था और तब यहाँ तक आते हैं आप।
जो इससे आगे की बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इतने बड़े देश में आप तब भी बहुत प्रिविलेज हैं कि आपने एक पढ़ाई की है, वो पढ़ाई आपके मन के लायक हो सकती है, उससे थोड़ा इट मे हैव फॉलन शॉर्ट, बट देन यू आर अ प्रिविलेज्ड लॉट बिकॉज यू हैव रीच दिस लेवल ऑफ एजुकेशन। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला है और आप उसके लिए यू हैव टू एक्ट लाइक ट्रस्टीज। आप आगे करियर में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको, अगर आप इस जगह आए हैं तो आगे आपको रास्ता निकलेगा आपके लिए, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे कई गुना ज़्यादा लोग हैं जिनको कुछ नहीं निकला है। एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, इस स्टेज में तो शायद नहीं पता चलेगा आपको कि वैसे लोग हैं जिन शायद उन्हीं के कॉस्ट पर आपको मिला, तो आपको रिपे करना होगा एट अ लेटर एज। अभी तुरंत तो आप रिपे करने की स्थिति में नहीं है, बट एट अ लेटर एज यू विल हैव टू रिपे, क्योंकि एक जो जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं उसमें एक फिलॉसफी है ऋण होने की, अदरवाइज इट विल बी अ डेट ऑन यू एंड विच यू मस्ट रिपे before you finally quit. Thank you very much.